जैसा कि सबको आजकल पता है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है कोरोना का, वो बहुत ही कम मात्रा में, तो आज इसे पेट्रोलिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे एक व्यक्ति इंजेक्शन को चोरी से बेच रहा है, कालाबाजारी कर रहा है उसकी। सूचना पे, गुप्त सूचना पे जब वहाँ गए गए, मौके पे जाके पता चला कि एक व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल का कर्मचारी है, वहाँ जाके उसको इंजेक्शन को बेच रहा था, जो एक व्यक्ति होशंगाबाद से आया था। फिर उसकी पूछताछ में पता चला है कि वो तीन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक MR है और दो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। तो उन लोगों को पकड़ा गया, उनसे चारों इंजेक्शन बरामद किए, जिनसे 77,000 रुपये, जिसमें वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे इंजेक्शन, जिसकी एक इंजेक्शन की कीमत 5,400 रुपये है, उसको 77,000 रुपये में 4 इंजेक्शन बेच रहे थे। कौन से हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं सर? ये स्वास्तिक हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं जिसे पकड़ा गया है, तो वो उनसे फिर फर्दर पूछताछ कर रही है, की जा रही है।